जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है हजारीबाग के इचाक ब्लॉक के एक गांव में, जहां सिस्टम के सारे दावे धरे के धरे रह गए और मूलभूत जरूरतों के लिए तरसते एक आदिवासी परिवार को अपने प्रसव पीड़िता पत्नी को खाट पर लेकर 3 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस खाट को लेकर ग्रामीण शहर की ओर जा रहे हैं, उस पर एक प्रसव पीड़िता लेटी हुई है और खाट पर महिला को लेकर अस्पताल जाने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि लाख कोशिशों के बाद इन लोगों को न तो सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाया, न ही ममता वाहन। आखिरकार परिजनों ने खाट पर ही प्रसूता को लेकर अस्पताल जाना उचित समझा, क्योंकि समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचाने पर ज्यादा देर हो सकती थी और जच्चा बच्चा खतरे में आ सकते थे। अब जाए मैं कोई बार बीमारी कोई पेशेंट मतलब खटिया में डोली बना के चढ़ावा पारो है, बीमारी के लिए बहुत तकलीफ हो जा है, ना पानी के साधन है ना और कुछ के साधन है, गाड़ी घोड़ा भी फोन एक फोन पर है और गाड़ियों भी ना आओ। तस्वीर हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के पुरनपनिया गांव की है। यहां के उमेश हांसदा की पत्नी गुड़िया देवी को प्रसव पीड़ा हुई। ग्रामीणों की लाख कोशिश के बाद भी जब कोई गाड़ी नहीं मिल पाई, तब ग्रामीणों ने गर्भवती को खाट पर लादकर 3 किलोमीटर तक पहाड़ी पगडंडी के रास्ते कुफंदी गांव के जंगल तक का रास्ता तय किया। इस बीच करीब करीब 2.5 घंटे से भी अधिक समय तक कराहती गर्भवती महिला के साथ चल रही सहिया मुन्नी देवी ने शाम को एक निजी स्कॉर्पियो से संपर्क साधा, लेकिन स्कॉर्पियो से अस्पताल जाने के दौरान गाड़ी में ही गर्भवती ने बच्चे को जन्म दे दिया। गनीमत रही कि जच्चा बच्चा दोनों सलामत रहे। आदिवासी बहुल इस पंचायत में मूलभूत सुविधाओं की बहाली के वादे सभी दलों के नेताओं ने किए थे, लेकिन हकीकत आज ये तस्वीर बयां कर रही है और यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि मानो सिस्टम सो रहा है। यादवेंद्र सिंह मन्नू, जी मीडिया, हजारीबाग।